वाराणसी में मनाया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर की गई विशेष पूजा, मां गंगा की पूजा कर किया गया दुग्धाभिषेक। सीएम योगी आदित्यनाथ की दीर्घायु की गई कामना। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक्स पर पोस्ट कर उनके जन्मदिन पर दी बधाई, लिखा हार्दिक बधाई एवं दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने अपनी जीत का मनाया जश्न, दो बार रालोद को, तीसरी बार कांग्रेस को हराया, हर बार 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीती। मेरठ में अरुण गोविल 10,000 वोटों से जीते, सपा प्रत्याशी सुनील वर्मा को हराया, सपा ने स्लो काउंटिंग का लगाया आरोप। प्रयागराज में कांग्रेस के उज्जवल रमण सिंह जीते, 60,000 वोटों से भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी को हराया। अखिलेश यादव का आज कन्नौज दौरा, लोकसभा कन्नौज सीट का रिटर्निंग ऑफिसर डीएम से लेंगे सर्टिफिकेट, सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का करेंगे धन्यवाद, शाम 4 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना। गाजियाबाद क्रॉसिंग रिपब्लिक के ऑफिस में लगी भीषण आग, आग लगने से बिल्डिंग में निकल रहा धुआं, क्रॉसिंग रिपब्लिक कंसोर्टियम का है CIPL ऑफिस, दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। लखीमपुर में 15 साल बाद खीरी धौरारा दोनों सीटों पर सपा का कब्जा, खीरी में उत्कर्ष शर्मा और धौरारा से आनंद भदौरिया जीते, दो दो बार के भाजपा सांसदों को उत्कर्ष आनंद ने हराया। लखनऊ में मोहनलालगंज लोकसभा सीट से कौशल किशोर हारे, सपा प्रत्याशी आरके चौधरी 70,292 वोटों से जीते, सपा के आरके चौधरी को 6,67,869 वोट मिले। प्रदेश में भीषण गर्मी से मिली राहत, राजधानी लखनऊ में सुबह से छाए रहे बादल, लोगों ने ली राहत की सांस। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल V News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।